कोई माँ बेटी पैदा नहीं करेगी, पैदा नहीं करेगी, भरोसा क्या, बेटी नहीं पैदा करेगी, क्योंकि जब बेटी हमारी, हम एक बहुत दर्द पैदा करते हैं, उसको पोस पाल के पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, उसके बाद बेटी हमारी, उसके बाद बेटी के साथ ये होगा तो कोई माँ बेटी पैदा करेगी नहीं करेगी। वो लड़की डर के मारे लूडो के माध्यम से परिवार से बात करती है, एक बेटी शादी करके जाती है इसलिए, उसके बाद वो लूडो के माध्यम से ये बोली है बर्थडे में हम नहीं आ सकते, नहीं आएंगे क्योंकि वो बोल रहा है कि तुम जाओगी तो क्या बोलोगी, उसको डर है कि वहां जो वो कर रहा है वो ये बता देगी। नीतीश बाबू आप देखिए, हर घर के पीछे हमारी बेटी फांसी टंग रही है, जहर खा रही है, आपको दिख नहीं रहा है। दहेज लेकर के तुम लोग क्या सोचते हो भाई कि तुम लोग बहुत बड़े हो जाओगे, तुम लोग को महिला विकास मंच बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, चाहे तुम लोग देश के किसी कोने में रहो। एक बेटी नहीं मरी है, एक ऐसा व्यक्ति ने मारा है जो रोज न्याय करता है, वो कितनों को मारेगा, कितनों के साथ। एक समय ऐसा आएगा कि लड़का घूमते रहेगा, लड़की नहीं मिलेगी, इस तरह का हालात होगा तो। और ये तो न्यायाधीश है, 3 साल में कितने लोग को मौत के मुंह में डालेगा, सबसे पहले अविलंब इसको हटाया जाए, उसके बाद आगे उसके जांच करिएगा। छोटा मोटा मामला होता है, कहीं 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 लड़की भाग जाती है, लड़का भाग जाता है, तो सब पेपर में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, आपको नेशनल न्यूज चलता है। आज इस माँ का दर्द नहीं दिख रहा है क्या? नमस्कार, जब न्याय की बात आती है तो न्यायाधीश यानी कि जज का सबसे बड़ा पद कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, सर्वोपरि वही होते हैं। और जब उसी न्यायाधीश, जब उसी जज पर आरोप लगता है कि अपनी पत्नी से दहेज लेने दौरान, दहेज मांगने के दौरान जब नहीं मिलता है दहेज, मतलब कुछ हद तक मिलता है और कुछ और डिमांड जब बढ़ती है, नहीं दिया जाता है, तो उस पत्नी की हत्या कर दी जाती है, ऐसा आरोप परिवार वाले की तरफ से, मतलब लड़की के परिवार वालों की तरफ से आया है। जिसके बाद अभी महिला विकास मंच की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम लोग जानते हैं, चूंकि ये लोग तब से इन परिवार वालों से बैठ के बात कर रहे थे, और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इन लोगों को पता चला, क्या आगे क्या होने वाला है, क्या क्या आप लोगों को मालूम लगा है। देखिए, ये लोग परिवार पूरी तरह हताश से हैं भी, जिनको हम लोग थोड़ा, अब महिला विकास मंच टीम पूरी आके हम लोगों ने मजबूती दी, हमारी वीना मानवी जी जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं वो अपने व्यक्तिगत कार्य से बाहर गई हुई, उन्होंने बोला इमीडिएटली जाओ, और वो इतने टूटे हुए हैं क्योंकि मामला न्यायाधीश का है, तो ये मामला इस परिवार का नहीं है, ये पूरे एक जगह का, हमारे राज्य का है, क्योंकि हमारे राज्य में वो पोस्टेड है, कितने ज्यादा न्याय वो करते होंगे और गलत करते होंगे, क्योंकि एक परिवार के साथ उन्होंने गलत किया है, एक बेटी को मारा है, एक पत्नी को मारा है, मैं क्या बोलूं, जो हमने चैटिंग देखी है, जो हमने ऑडियो सुना है, वो 100% श्योर है उन्होंने मार दिया है, और उसको बहुत अच्छे से प्रोपेगेंडा, उनको पता है ना साक्ष कैसे बनाया जाता है, साक्ष कैसे बनाया जाता है, साक्ष कैसे बिगाड़ा जाता है, कैसे उसको घुमाया जाता है, सारा दांव पे जो उनको पता है वो अपने घर में लगाए, पहली गलती दहेज लिया है, दूसरी इनकी गलती जो इन्होंने दिया है, ऐसे लड़के से नहीं करना चाहिए था, को मानसिक रूप से बीमार आदमी से शादी के, वो न्यायाधीश नहीं है कहीं से, वो बहुत गलत किए, एक तो इन लोगों ने गलत किया, समाज को देखे, समाज इनकी आज बेटी लौटा पाएगी, कभी नहीं लौटाएगी, इन्होंने गलती की, लेकिन ये जो गलती हुआ और उसके बाद वो संभाल नहीं पाया, अरे भाई जब तुम इतना ले चुके थे तो तुम क्यों मारे उस बेटी को। वो लड़की डर के मारे लूडो के माध्यम से परिवार से बात करती है, एक बेटी शादी करके जाती है इसलिए, उसके बाद वो लूडो के माध्यम से ये बोली है बर्थडे में हम नहीं आ सकते, नहीं आएंगे क्योंकि वो बोल रहा है कि तुम जाओगी तो क्या बोलोगी, उसको डर है कि वहां जो वो कर रहा है वो ये बता देगी। आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? मैम एक सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जज एक बहुत बड़ा पद होता है और न्याय दिलाने में सबसे बड़ा योगदान है, न्यायमूर्ति न्यायाधीश को ही कहा जाता है, लेकिन जब न्यायाधीश ही ऐसा करेंगे तो लोग अब कहाँ, किसके पास जाए, क्योंकि लोग सोचते हैं इतने बड़े मतलब पद पे हैं, जज हैं, तो ऐसा आएगा कि लोग लड़कियों की शादी करने से डरेंगे, हम लोग तो लड़कियों की शादी करने से ही डरेंगे, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं, बहुत सीधी है बेचारी, मुंह में बोली नहीं है, जाएंगी उनके साथ कैसा होगा, हम ये तो लूडो के थ्रू बता सके, हमारी बेटी तो बता भी नहीं पाएगी इस तरह की बातें, और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की काम करते हैं। और दहेज लेकर के तुम लोग क्या सोचते हो भाई कि तुम लोग बहुत बड़े हो जाओगे, तुम लोग को महिला विकास मंच बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, चाहे तुम लोग देश के किसी कोने में रहो। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, चूंकि आप लोग लगातार बोलते हैं, लेकिन क्या अब जब जज से भी शादी करवाने के बाद जब ऐसा हश्र होता है तो अब कहां लोग शादी कराने जाएंगे, क्योंकि आप लोग लगातार
मामला उठता है, आपके पास बहुत सारा मामला आता रहता है, क्योंकि आता था कि गरीब था तो चलो ऐसा कर दिया, मिडिल क्लास था तो कर दिया, अब जज जब इतने बड़े पद के लोग जब इस पद पे इस हरकत पे आ गए तो अब कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे, यही तो कह रहे हैं कि दुनिया कहाँ जा रहा है। और ये जज साहब को मतलब हमको बोलने में शर्म लग रहा है कि जज हैं, मतलब अपने आप में शर्म लग रहा है कि जज हैं। अब बताइए कि आपका छोटा मोटा मामला होता है कहीं कहीं, कहीं लड़की भाग जाती है, लड़का भाग जाता है, तो सब पेपर में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, आपको नेशनल न्यूज चलता है। आज इस माँ का दर्द नहीं दिख रहा है क्या? आज इस माँ का दर्द लोग को नहीं दिख रहा है? जैसे इन लोग आए और गले लग के रोने लगे हैं, और उसके बाद इन्होंने इन लोग हताश देखकर हमारे मतलब रोमता खड़ा हो गया। ये शर्म लग रहा है। हमारे नीतीश बाबू आप देखिए, हर घर के पीछे हमारी बेटी फांसी टंग रही है, जहर खा रही है, आपको दिख नहीं रहा है। और हमारे तेजस्वी जी आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप देख लीजिए कि हमारे संसार का क्या हालत है। इस तरह का अगर हालत रहेगा, कोई माँ बेटी पैदा नहीं करेगी, पैदा नहीं करेगी, भरोसा क्या, बेटी नहीं पैदा करेगी। क्योंकि जब बेटी हमारी, हम एक बहुत दर्द से पैदा करते हैं, उसको पोस पाल के पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, उसके बाद बेटी हमारी, उसके बाद बेटी के साथ ये होगा तो कोई माँ बेटी पैदा करेगी नहीं करेगी। एक समय ऐसा आएगा, आप लोग को हम अपने माध्यम से कह रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि लड़का घूमते रहेगा, लड़की नहीं मिलेगी, इस तरह का हालात होगा। तो अच्छा मैम, आप लोग कैसे न्याय दिलाने वाले? देखिए, हम एकदम सिलसिलेवार ढंग से पहले इनको बोले हैं कि जितना एविडेंस है जो हम लोगों ने देखा वो साक्ष्य एकदम स्पष्ट है। अगर खुली आंखों से देखी जाए तो, मुझे नहीं मालूम कितने खुली आंखों से, लेकिन आवाज इतनी बुलंद रहेगी ये पूरे देश में जाएगी। हम लोग डीजीपी साहब क्या लेके जाएंगे, हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी उनके पास ले जाएंगे, कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने का। ये इसलिए करेंगे, इतना ज्यादा केवल एक बेटी नहीं मरी है, एक ऐसा व्यक्ति ने मारा है जो रोज न्याय करता है। वो कितनों को मारेगा, कितनों के साथ गलत न्याय? नहीं नहीं, उस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है उसको, अधिकार नहीं है। हम उसके लिए नीतीश कुमार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि उस व्यक्ति को हटाया जाए, उस व्यक्ति उस लायक नहीं है। देखिए, वो एक क्रिमिनल साइको है, साइको। ऐसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को न्याय नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए हम लोग आवाज बहुत बुलंद करेंगे। हम लोग मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिलके उनसे बहुत आप देखिए ना, जांच होनी चाहिए उनसे। वो घूस पर जज बने हैं, वो डिग्री से जज नहीं बने हैं, उन पर जांच होनी चाहिए। वो डिग्री से जज नहीं बने हैं, घूस का जज। हाँ, उनसे गुहार लगाएंगे। आप सबसे पहले अविलंब उनको न्यायाधीश के पोस्ट से हटा दीजिए, आप उसके बाद जांच कीजिए। क्यों? क्योंकि इस बीच में एक हम लोगों ने बहुत पहले महिला विकास मंच ने हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, संगीला हत्याकांड जो हाजीपुर का। आप ये बता रहे हैं उस दौरान 2-3 साल लग गया, विद्यानंद चप्पल रगड़े हैं, मिला नहीं, न्याय मिला, गए वो अंदर, लेकिन 3 साल लगा। अब 3 साल में कितने लोग गए, और ये तो न्यायाधीश है, 3 साल में कितने लोग को मौत के मुंह में डालेगा। सबसे पहले अविलंब इसको हटाया जाए, उसके बाद आगे उसके जांच करिएगा, सच पाया जाए, झूठ पाया जाएगा। आप देखिए ना, साक्ष्य देखिए, आपकी आंखें ऐसे 5-6 दिन हो गए, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फैमिली वालों को नहीं मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उन्होंने बदल दी, क्योंकि लड़की वहां एडमिट उन्होंने कराई छोटे से हॉस्पिटल में, जो कि उस जज के जान पहचान है, दोस्त है उनके, तो बताइए वहां पे कराया गया और लड़की को कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिला वहां पे। तो सारा चीज जज साहब अगर सही है, जज साहब अगर सही है तो सामने आए। जज साहब काहे भाग रहे हैं भाई, चोर होते हैं तो भागते हैं। जज साहब गुनाहगार नहीं है, वो गुनहगार नहीं है तो सामने आए, आके मीडिया में जैसे इनकी माँ रो रही है, बहन रो रही है, हम लोग बोल रहे हैं, आके जवाब दे। उनका जवाब क्यों बंद है, मुंह क्यों बंद है? ये हमारे सरकार पे परत चिन्ह है, इसको उनसे जवाब लेनी चाहिए। काहे कि वो सरकारी आदमी है और उनसे जवाब होनी चाहिए। और यहाँ महिला विकास मंच लास्ट तक उनको छोड़ेगी नहीं, इनके साथ रहेंगे हम लोग इनके न्याय के लिए बिल्कुल इनके कदम। पहले तो उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो पता नहीं
कितने दिनों में कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देख आप लोग को जिस तरह से दिखाया कैसे एक महिला को एक पति के द्वारा, और पति कोई छोटे मोटे पद पर नहीं, एक जज के पद पे रहते हैं, उसके उनको दहेज की का रकम पूरा नहीं मिला था, इस कारण से इतना बड़ा मामला को अंजाम दिया जाता है, इतने बड़े घटना को अंजाम दिया जाता है, इस आरोप इनके परिवार वालों का है। इसके बाद आगे क्या अपडेट आती है, बने रहेगा, इस रहेंगे अभी चंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।